ने एक छड़ी का रूप धारण किया और जा करके रास्ते में लेट गया। धन्वंतर भगवान नहीं समझ सके, उन्होंने उस छड़ी को छड़ी समझ करके उठा करके पीठ पर डाला तो तक्षक ने धन्वंतर के पीठ में डस लिया। जहां तक धन्वंतर की नजर जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था और पीठ पर इनकी नजर नहीं जा पा रही थी। चेला लोगों से कहा है कि ढांक बजाओ, चेला लोग ढांक बजाने लगे। प्यारे भक्तों, फिर तक्षक पहुंच गया, कहने लगा है क्या कर रहे हो? अरे चेला लोगों, धन्वंतर की तुम ढांक बजा रहे हो, ये जिंदा नहीं होगे। लेकिन वो चेला लोग ढांक बजा रहे हैं और अरे मीठी बोली को बज रही है लेकिन इसका प्रभाव उनके ऊपर कुछ नहीं पड़ा। तक्षक ने जा करके कहा है कि क्यों इन्हें दबाए हो, इन्हें खोल करके देखो। जब खोल करके देखा है तो धन्वंतर बोले हैं कि अब हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम जीवित नहीं हो सकते, इसलिए हमारे मांस को काट करके 1400 खा जाओ। आज गुरु धन्वंतर के मांस को 1400 चेला जिस समय रांधने लगे। प्यारे भाई बहनों, बताया है कहा है धन्वंतर ने कि अगर तुम अपनी कुशल चाहते हो तो मेरे मांस को 1400 चेला खा जाओ। ऐसा ही नहीं, क्यों ही 1400
गुरु धनवंतर ने अपने 1400 चेलों से कहा है मेरे मांस को सब लोग खा जाओ, हमारी तरह से विद्वान हो जाओगे। गुरु खत्म हो गए, थोड़े थोड़े मांस को हड्डियों में पकाने के लिए रख दिया। ब्राह्मण बन करके तक्षक ने वो सब हड्डियां गंगा जी में भिगवा दी। एक बंगाल में जा करके पहुंची है एक धोबिनी, अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में कूदने आई, लेकिन हुआ क्या स्त्री जादूगरनी हो गई। उसने अपनी सभी सहेलियों को जादू सिखाया। उसी समय से हमारे यहाँ से जादू बंगाल में चला गया। जादू को सीखने वाली लड़कियां चले हैं परीक्षित को डसने के लिए। उन्होंने एक फूल बाग में जाकर के सुंदर से पुष्प में बैठ गए। माली उन पुष्पों को तोड़ करके बेचने के लिए चला है तो नवलदे ने वो पुष्प पानी में फिकवा दिए। परीक्षित महाराज जब आगे को चले हैं, भैया क्या हुआ,